वहीं हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस फैसले को आनन फानन में सरकार बचाने के लिए दिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करके सरकार प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का काम कर रही है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से अचानक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और उसमें ऐलान करना और वो भी एक बड़ा ऐलान करना। अभी 6 दिन पहले ही बजट पास हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। वो किस सूरत में पास किया गया है उसमें मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को सदन से निलंबित करके उस बजट को पारित किया, क्योंकि इनके पास बहुमत तो उसके पारण के लिए नहीं था। और हैरान करने वाली बात यह है कि बजट पास होने के बाद 6 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। जिस प्रकार से एक आदत, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, पड़ गई है मुख्यमंत्री महोदय जी को झूठ बोलने की, कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की, झूठी गारंटियां दी। और जब बजट पारित हो चुका है उसके पश्चात, और वो भी एक सप्ताह से पहले 6 दिन के अंदर इस प्रकार की घोषणा करने